गांधीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर सवाल उठाया है, साथ ही कई सुझाव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अनिल वाजपेयी ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान में क्षेत्र के निवासियों ने स्लॉट बुक कराने में हो रही परेशानियों की शिकायत की है। अनिल वाजपेयी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बाहर के व्यक्ति अपना स्लॉट बुक कर टीका लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। वाजपेयी ने इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव देते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर वैक्सीन स्लॉट बुक किए जाने चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र के वोटर कार्ड के आधार पर स्लॉट बुक किया जा सकता है या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पिन कोड के आधार पर टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है। अनिल वाजपेयी ने मांग की है कि दिए गए तीनों सुझाव में से किसी एक को लागू कर दिल्ली के लोगों को सही तरीके से टीकाकरण किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनको पूछा है और हमने उनको सुझाव दिया है। ये दिल्ली सरकार की ऐप है और अरविंद जी क्यों नहीं, हर इसको 70 विधानसभाओं में आप इसको पिन कोड के नंबर से क्यों नहीं सेंट्रलाइज करते। एसी गांधीनगर एसी 61 है, इस तरह सारी विधानसभाओं के नंबर है, सारी विधानसभाओं के पिन कोड नंबर हैं। तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कि आप इसको सेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको आप 70 विधानसभाओं में, लोगों की भीड़ होनी बंद हो जाएगी। मेरे गांधीनगर में 3 सेंटर हैं, लोग फरीदाबाद गुड़गावा खुर्जा से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली मेरी विधानसभा के लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है। कब दिल्ली सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट प्रशासनिक विभाग कब रजिस्ट्रेशन खोलता है, कब शेड्यूल खोलता है, कब उन लोगों को स्लॉट मिलता है, ये पूरी जिम्मेदारी